ये 2 कप आटा लिया है मैंने, इसमें 1/4 बेसन डालेंगे, ये 1 चम्मच अजवाइन और 1 चम्मच जीरा है, इसको थोड़ा सा हम कूट लेंगे। एक टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 2 टेबल स्पून ऑयल, 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी या सूखी हुई मेथी, और अगर गीली मेथी है आपके पास तो आप 1/2 कप ले सकते हो। 1/2 कप दही, नमक स्वाद अनुसार, 1/2 कप सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक पराठे जैसा आटा गूंथ लेंगे, न बहुत कड़क और न बहुत नरम। ज़रूरत लगेगी तो हम पानी डालेंगे, थोड़ा सा तेल लेके हम इसको अच्छे से मिला लेते हैं। आप देख सकते हैं न बहुत गीला है और न एकदम कड़क है। इसको 5-10 मिनट हम ढक के रख देंगे। 10 मिनट हमारे हो चुके हैं, अब हम इसे एक बार अच्छे से मसल लेते हैं और छोटी छोटी लोई तोड़ लेते हैं। सारे लोई बना लिए हमने, आइए बेलते हैं हम इसे और सेकते हैं। यहाँ पर ध्यान रखें आप कि ये सूखा आटा है जो, वो हम कम से कम लगाएं। इसे और अच्छा बनाना हो आपको, किसी को देना हो या सेल करना हो, तो आप इस तरह से कोई भी डब्बे का ढक्कन ले लीजिए और इसे काट दीजिए इसे। तो सभी आपके एक साइज के और एकदम गोल बनेंगे, दिखने में भी सुंदर लगेगा। चलिए अब हम इन्हें सेक लेते हैं। ये हमारा तवा थोड़ा गर्म है, धीमी आंच पर हम इन्हें सेक लेंगे, थोड़ा सा तेल लगाएंगे और अच्छे से दबा के पलट के सेक लेंगे। यहाँ पर गैस की फ्लेम बहुत मायने रखती है, ना कम करना है ना ज़्यादा करना है, मीडियम आंच पर सेकना है, वरना आपके थेपले चीठे हो जाएंगे। इन्हें सेक कर उतारते वक्त थोड़ा ध्यान रखना होता है कि थोड़ा ठंडा करके इकट्ठे करने होते हैं, वरना ये चीठे हो जाएंगे। ये गुजराती जैन लोगों की पहली पसंद है, ये इन्हें शाम को खाने के समय लेते हैं। लीजिए तैयार मेथी थेपला मसाला दही और केरी के छुंदे के साथ।